बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का, और इस खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ, वो ये कि क्या आप ट्विटर के लिए पैसा देना चाहेंगे? अगर आपको एक ट्वीट करना है और अगर आपको चार्ज किया जाने लगे तो क्या ये परिस्थिति आपके लिए ठीक है? और अगर आपको पैसा चुकाना पड़े एक ट्वीट के लिए भी, तो क्या आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए फीस देना चाहेंगे या नहीं? ट्विटर अभी पेड नहीं है, लेकिन इस दिशा में ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क ने कदम बढ़ा दिया है। एलॉन मस्क ने क्या कहा, क्यों कहा, आइए पहले ये समझ लेते हैं। ट्वीट करोगे तो फीस दोगे, अब मुफ्त नहीं होगा ट्विटर, ये यूजर्स अब चुकाएंगे पैसे। कमाई पर मस्क की नजर। दुनिया भर में ट्विटर के 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। दुनिया भर में हर दिन करीब 50 करोड़ ट्वीट होते हैं। अब इन्हीं यूजर्स में से कुछ यूजर्स को ट्वीट करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्विटर वो कंपनी है जिसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद से साल 2018-19 को छोड़कर बाकी के सालों में लगातार सिर्फ घाटा ही घाटा उठाया। बावजूद इसके दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने $44 बिलियन लगभग 3,368 अरब रुपए चुकाकर इसे अपने नाम किया। अब एलन मस्क इस नीली चिड़िया को कमाई का अंडा देने वाली चिड़िया बनाने की तरकीब निकालने में जुट गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, इसके इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे चुकाने होंगे। इस ऐलान के साथ मस्क ने ये भी साफ किया है कि आम यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री रहेगा। तो सवाल ये कि आखिर वो कौन से यूजर्स हैं जिन्हें अब ट्वीट करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहले देखते हैं एलन मस्क ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। आम यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन व्यवसायिक और सरकारी यूजर्स को थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्विटर को खरीदने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और उनमें से जो आधा पैसा है उनका खुद का लगा है, उसके अंदर करीब 21 बिलियन उनकी खुद का उन्होंने पैसा लगाया है, तो रेवेन्यू के नए तरीके तो उन्हें तलाश नहीं होंगे। यानी साफ है कि ट्विटर का इस्तेमाल करने वाली कई सरकारी कंपनियों और सरकारों को आने वाले वक्त में ट्विटर का इस्तेमाल करने के लिए पैसे चुकाने होंगे। इस ट्वीट के साथ मस्क ने एक और ट्वीट किया, इसमें उन्होंने फ्रीमेसंस नाम की एक कंपनी का उदाहरण दिया जिसका लगातार फ्री में अपनी सेवाएं देने के चलते पतन हो गया। अंततः स्टोन कटिंग की फ्री सर्विस देने के चलते फ्रीमेसंस का पतन हो गया। ट्विटर को खरीदने के बाद से ही मस्क लगातार इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। तो क्या ये ट्विटर में बदलाव का पहला कदम है? जैसा कि मस्क ने ऐलान किया है, अगर वाकई उन्होंने ऐसा किया तो उसके कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ट्विटर जैसे और नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामने आ सकते हैं। कू जैसे भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोगों के बीच चलन बढ़ सकता है। सब चीजें फ्री हों इस दुनिया में, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता। हमने देखा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह के माध्यम से कि जो भी चीज हमको फ्री लगती थी वो अल्टीमेटली फ्री नहीं थी। हमारा जो भी कंटेंट डेटा वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हुआ ही है। तो सोशल मीडिया के एवोल्यूशन का टाइम है और एलन मस्क का ट्विटर खरीदना शायद ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का 2.0 का टाइम आ गया है। यही नहीं, खुद एक कंपनी के तौर पर बिजनेस के लिहाज से ट्विटर के लिए ये एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। या तो कंपनी को इससे फायदा मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इससे यूजर्स का इस प्लेटफॉर्म से मोह भंग हो जाए। कुछ वक्त पहले ऐसे कई उदाहरण दुनिया के सामने भी आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ट्विटर से पहले कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज रही हैं जो पहले यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री थी, हालांकि बाद में उन्होंने फी चार्ज करना शुरू कर दिया और इसके बाद से ही उन कंपनीज के यूजर्स घटने लगे। कुछ तो बिल्कुल हाशिए पर चली गई या खत्म हो गई। ऐसी एक कंपनी है USA.net। 2003 से पहले इसका इस्तेमाल यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री था। 2003 के बाद कंपनी ईमेल सर्विस के लिए फीस चार्ज करने लगी, लिहाजा यूजर्स का मोह भंग हो गया और इसका इस्तेमाल काफी घट गया। गूगल फोटोज भी ऐसी सर्विस है जो पहले बिल्कुल मुफ्त थी, लेकिन 1 जून 2021 के बाद से 15 GB स्टोरेज के बाद यूजर्स को इसके लिए चार्ज देना पड़ता है।
नतीजा ये है कि इसके यूजर्स भी अब लगातार घट रहे हैं। एकेडमिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका इस्तेमाल एकेडमिक्स और रिसर्चर एकेडमिक रिसर्च के लिए करते थे और ये शुरुआत में यूजर्स के लिए फ्री था, लेकिन अब इसके इस्तेमाल के लिए यूजर्स को पैसे देने पड़ते हैं। हालात ये हो गए कि इस प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी घट गई है। तो ये कुछ उदाहरण थे जहां पर पहले प्लेटफॉर्म मुफ्त था लेकिन पैसा चार्ज किया गया तो फिर यूजर बेस घट गया। जिस वक्त एलन मस्क ने ट्विटर के इस्तेमाल के लिए कुछ यूजर्स से चार्ज वसूलने की बात की, उस वक्त ट्विन गेट नामक संस्था के एक सर्वे पर गौर करना बेहद जरूरी है। ये सर्वे ये जानने के लिए किया गया था कि कितने यूजर्स सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए पैसे देने को राजी हैं। 72% यूजर्स, 72% यूजर्स सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पैसे देने को राजी नहीं है। 60% यूजर्स ऐसे हैं जो डेटा सीक्रेसी होने पर सब्सक्रिप्शन चार्ज देने के लिए तैयार है। 64% यूजर्स प्राइवेट डेटा की सुरक्षा के लिए पैसे देने को तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक के लिए ₹380 महीना देने के लिए तैयार है। दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम है जिसके लिए यूजर्स ₹380 प्रति महीना देने के लिए तैयार है, जबकि सर्वे के मुताबिक तीसरे नंबर पर आता है ट्विटर, जिसके लिए यूजर हर महीने ₹288 देने को इस सर्वे में तैयार पाए गए। साइबर जगत के जानकार एलन मस्क के इस कदम को किस तरह से देखते हैं और क्या मस्क का ये कदम आने वाले दिनों में ट्विटर में होने वाले बदलावों की शुरुआत है, क्या है इस पर एक्सपर्ट का ओपिनियन, सुनिए। इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाने हैं जो अभी तक ट्विटर में कभी नहीं हुए हैं। ट्विटर हमेशा एक अनसिक्योर प्लेटफॉर्म रहा है। एलन को इसमें कमर्शियल वाइज और सिक्योरिटी वाइज दोनों तरीकों से उन्हें ट्विटर को सिक्योर करना है और इसमें बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पर इंडिया का ओपिनियन। ट्विटर पर खबर है तो सोशल मीडिया यानी ट्विटर से ओपिनियन लिया। अगर ट्विटर भविष्य में आम यूजर्स से शुल्क लेता है और आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप शुल्क देकर सेवाएं लेना चाहेंगे? 10% ने कहा कि बिल्कुल फीस देने के लिए तैयार है। 75% ने कहा बिल्कुल तैयार नहीं है, पैसा नहीं देंगे। 8% ने कहा कि फीस पर निर्भर करता है कि कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है, जबकि 7% ने कहा कि हम इस पर कोई विकल्प भी तलाशना चाहेंगे। तो हमने इस मुद्दे पर ओपिनियन जनता के बीच से भी लेने की कोशिश की, क्या ट्विटर के आम यूजर्स इस बात पर राजी हैं कि अगर ट्विटर उनसे चार्ज वसूलने लगा तो क्या इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते रहेंगे। अब सुनिए जनता के बीच से ओपिनियन। सब्सक्रिप्शन आएगा तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा उसको, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत है उसको इसके अलावा यूज करने के लिए। कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा तो मैं भी उसे यूज नहीं करूंगा। सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग रहे हैं तो पे करके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो है उसके लिए पे करके जो है ट्विटर को इस्तेमाल किया जाए। देखा जाएगा तो उन लोग तो दे सकते हैं, लेकिन जो एक आम जनता है जो सोचता है कि फ्री में चलाते हैं उसके लिए तो महंगा पड़ेगा, तो दूसरे साइट पे जा सकता है। पैसा के जैसे कि चुकाने की बात जैसे कि आती है सोशल मीडिया में ट्विटर में, तो या तो व्यापारिक संगठन से लिया जाए, सरकारी ऑफिस से लिया जाए, सरकारी संस्थाओं से लिया जाए, या फिर जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराना के लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों से लिया जाए, नेता मंत्री लोगों से लिया जाए। एक फेमस कोट है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट। और इसीलिए इंटरनेट कंपनीज अगर आपकी जानकारियों का कमर्शियल इस्तेमाल करती हैं तो आप शिकायत के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन दूसरा सच ये है कि आम लोगों का स्वभाव मुफ्त खोरी का है, फिर मसला सेवाओं के इस्तेमाल का हो या फिर किसी और बात का, और इसीलिए सियासत के खेल में भी मुफ्त खोरी का खेल खूब चलता है। ट्विटर पेड हुआ तो क्या होगा? ट्विटर नए यूजर्स जोड़ पाएगा? पुराने यूजर्स उसके साथ बने रहेंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मुफ्त में मिल रही किसी चीज के लिए अगर पैसे चार्ज होने लगे तो अक्सर लोगों का उससे मोह भंग हो जाता है,
जबकि मुफ्त की चीजों को हाथों हाथ लिया जाता है। मुफ्त स्कीम वाली पॉलिटिक्स की शक्ल में कई उदाहरण हमारे सामने हैं। मुफ्तखोरी एक ऐसा नशा है जिसकी लत एक बार लगी तो आसानी से नहीं छूटती। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त वाले कई ऐलान हुए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। पंजाब के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की घोषणा की। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया। नतीजा आपके सामने है। फ्री वादों वाला दांव काम कर गया और आम आदमी पार्टी ने सूबे में ऐतिहासिक जीत हासिल कर सरकार बना ली। वो बात अलग है कि अब अपने फ्री वाले वादे पूरे करने के लिए मान सरकार केंद्र सरकार से मदद मांग रही है। आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बाकी दल भी फ्री पॉलिटिक्स में पीछे नहीं है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी ने भी मुफ्त के वादों की झड़ी लगाई। गरीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग का वादा किया गया, कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को मुफ्त स्कूटी का वादा किया गया, त्योहार पर 2 LPG सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया गया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुफ्त राशन योजना की बदौलत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही। चूंकि भारत की राजनीति में मुफ्त वाली राजनीति बहुत ही सत्य और सिद्ध अस्त्र है, लिहाजा इसे हर दल इस्तेमाल करता है, भले ही चुनावी मार्केट में उनकी स्कीम चले या ना चले। जैसे कांग्रेस को ले लीजिए, यूपी में हार गई लेकिन जीत हासिल करने के लिए उसने भी तमाम फ्री वाले वादे किए थे। मसलन 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा, बिजली बिल हाफ करने का वादा, 10 लाख तक मुफ्त इलाज देने का वादा। हालांकि फ्री पॉलिटिक्स का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन अब हालात ये हैं कि इसकी जद में पूरा हिंदुस्तान आ गया है। फ्री स्कीम ही अब भारतीय राजनीति का सबसे नया ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि ये राजनीति सबको स्वीकार है या इसका विरोध नहीं हुआ, खिलाफत जरूर हुई पर असर कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि मुफ्तखोरी के वादे करने वाले राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, चुनाव चिन्ह जब्त किया जाए। सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने भी इसे गंभीर मसला माना, कहा इससे मतदाता और चुनाव प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, मुफ्त की योजनाओं वाली पॉलिटिक्स कई बार देश की अर्थव्यवस्था को भी गर्त में धकेल देती है। श्रीलंका और वेनेजुएला के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो एलन मस्क के कदम से ऐसा लगता है कि वो इस खतरे से वाकिफ हैं, इसीलिए अपनी कंपनी ट्विटर के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए पेड पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।